For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. यूँ तो आए दिन इशिता की मुसीबत बढ़ जाती है, लेकिन अब आपको जानकारी दे दें कि शो के आने वाले एपिसोड में अब फाइनली रमन और इशिता का रोमांस दिखाया जाएगा। जी हाँ, शो के आज के एपिसोड में पहले तो आप देखने वाले हैं कि रमन इशिता का रोमांस दिखाया जाएगा, तो वहीं कहानी में आएगा ट्विस्ट जहाँ इशिता एक बार फिर से हो जाएगी किडनैप और वो कोई और नहीं बल्कि वो किलर करेगा। लेकिन उसके पीछे क्या होने वाला है, उस किलर का मकसद, ये पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के चल रहे ट्रैक के बारे में बता दे जहाँ दिखाया गया कि इशिता पर वो किलर कर देता है अटैक, लेकिन तभी वॉचमैन कर देता है रमन को फोन और रमन पहुंच जाता है एन वक्त पर जहाँ वो अपनी इशिता को बचा लेता है, तो वहीं पुलिस पकड़ कर ले जाती है सिमी के उस किलर को, जिसके बाद आपने शो में भी देखा कि कैसे परम आ जाता है इशिता के पास और वो करता है उसे ब्लैकमेल, उसे बता देता है कि उसे पूरी सच्चाई पता है कि अनन्या का कत्ल पीयू ने किया था। और अब आपको बता दें कि शो के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अब फाइनली इतने दिनों बाद रमन इशिता का रोमांस दिखाया जाएगा शो में, जहां एक बार फिर से कहानी में आएगा ट्विस्ट और इशिता को वो किलर एक बार फिर से किडनैप कर लेगा, जिसके बाद अब शो में ये देखना होने वाला है काफी मजेदार कि आखिर क्या होने वाला है किलर का पूरा मकसद और क्या इस बार इशिता और वो किलर दोनों मिलकर दे रहे नए प्लान को अंजाम। ये सब जानने के लिए बन जाए हमारे साथ। फिलहाल मैं शुरू में बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट YHM से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. यह है मोहब्बतें की कहानी में आपको एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, शो के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि परम और इशिता की बातें सुन लेगा आदि, लेकिन वो कैसे, ये पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के चल रहे ट्रैक के बारे में बता देते हैं जहाँ दिखाया गया कि इशिता को बचाने आ जाता है रमन, जिसके बाद आपने शो में देखा कि कैसे रमन के सामने ये पूरा सच आ जाता है कि इशिता किसी बड़ी मुसीबत में थी, तो वहीं आपने ये भी देखा कि कैसे परम एक बार फिर से देता है अपने घिनौने प्लान को अंजाम और वो इशिता को करता है ब्लैकमेल। और अब आपको बता दें कि शो के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अब जल्द ही खुलासा होगा कि इशिता और परम की बातें सुन लिया होगा आदि ने। जी हाँ, एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो शो में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट जहाँ आदि को ये सच पता चल जाएगा कि इशिता नहीं बल्कि पीहू के वजह से अनन्या की जान गई थी, जिसके बाद खबर तो ये भी है कि अब जल्द ही सबके सामने ये सच आने वाला है। तो वहीं अब शो में भी ये देखना हो जाएगा काफी ज्यादा मजेदार कि आखिर कैसा होने वाला है ये सच जानकर सिमी का रिएक्शन, और क्या इस बार इशिता और सिमी का हो जाएगा शो में मिलन, ये सब जानने के लिए बन रहे हमारे साथ। फिलहाल मैं शुरू में बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट YHM से लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. और एक बार फिर ये है मोहब्बतें में आपको काफी सारा धमाका देखने को मिलेगा। जी हाँ, एक बार फिर से इशिता हो जाएगी किडनैप, लेकिन इसके पीछे इशिता का ही कौन सा मकसद है, ये पूरी जानकारी देने से पहले आपको शो के चल रहे ट्रैक के बारे में बता दे जहाँ दिखाया गया कि इशिता को वो किलर पहुंच जाता है मारने, जहाँ इशिता बच जाती है क्योंकि रमन की हो जाती है उसी वक्त एंट्री और रमन अपनी बीवी को बचा लेता है, जिसके बाद रमन और इशिता दोनों पहुंच जाते हैं पीहू के पास और पीहू की हालत देखकर इशिता हो जाती है परेशान। और अब आपको बता दें कि शो के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि जल्द ही शो में खुलासा होगा कि इस बार किलर ने किया है इशिता को किडनैप इशिता के ही कहने पर। जी हाँ, एक लीडिंग वेबसाइट की माने तो शो में आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट जहाँ इस बार वो किलर देगा इशिता का साथ और वो सिमी का पर्दाफाश करेगा, जिसके बाद अब शो में ये देखना होने वाला है काफी ज्यादा मजेदार कि आखिर कैसे सिमी अपने आप को बचाएगी और क्या इस बार इशिता खेलने वाली है अपना मास्टर कार्ड, ये सब जानने के लिए बन रहे हमारे साथ। फिलहाल मैं शुरू में बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट YHM से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल
and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. अब हंगरी और बुदापेस्ट के बाद पहुंच गई है ये है मोहब्बतें की कहानी लंदन। जी हाँ, शो के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अब जल्द ही रमन और श्रद्धा के साथ साथ आदि आलिया भी पहुंच जाएंगे लंदन, जहां शो में होने वाली है रोशनी की एंट्री, तो वहीं लंदन में रमन और श्रद्धा का प्यार भी परवान चढ़ेगा। लेकिन आपको पूरी खबर बताने से पहले शो के अभी के चल रहे ट्रैक के बारे में बता देते हैं, जहां दिखाया गया कि श्रद्धा को पता चल जाता है कि परम जानता है कि आखिर किसकी वजह से गई थी अनन्या की जान। तो वहीं ये सब देखकर श्रद्धा काफी ज्यादा डर जाती है और वो किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलती। और अब आपको बता दें कि शो ये है मोहब्बतें की कहानी अब जल्द ही लंदन पहुंचने वाली है, जहां आप एक बार फिर से रमन और श्रद्धा को करीब आते हुए देखेंगे। तो वहीं श्रद्धा की आंखों की रोशनी भी वापस आ जाएगी और लंदन में रमन श्रद्धा का रोमांस दिखाया जाएगा, जहां खबर तो ये भी है कि जल्द ही रमन श्रद्धा की मुलाकात रोशनी से भी होने वाली है, जिसके बाद अब शो में यह देखना होने वाला है काफी मजेदार कि आखिर कैसे होने वाली है लंदन की पूरी कहानी और क्या इस बार रोशनी बनने वाली है शो की नई विलन। ये सब जानने के लिए बन रहे हमारे साथ। फिलहाल मैं शो में बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट YHM से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. यह है मोहब्बतें की कहानी में अब अशोक की कहानी खत्म होने वाली है। जी हाँ, शो के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि शो में अब इशिता को बचाने के लिए अशोक दे देगा अपनी जान। लेकिन आपको पूरी जानकारी देने से पहले शो के चल रहे ट्रैक के बारे में बता दें, जहां दिखाया गया कि इशिता को ऐन वक्त पर आकर बचा लेता है रमन, जिसके बाद परम करता है इशिता को ब्लैकमेल और वो इशिता को बता देता है कि वो जानता है कि अनन्या की मौत उसके वजह से नहीं बल्कि पीयू के वजह से हुई थी। और अब आपको बता दें कि शो के आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि इशिता एक बार फिर से हो जाएगी किडनैप, जहां अशोक आकर इशिता को बचा लेगा। जी हाँ, शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इशिता को बचाने के लिए अशोक को लग जाएगी गोली, जहां अशोक की हो जाएगी मौत। और खबर तो ये भी है कि अशोक की आंखें लग जाएंगी इशिता को, जिसके बाद अब शो में यह देखना होने वाला है काफी मजेदार कि आखिर कैसे रमन बचाएगा इशिता को और आखिर कैसी होने वाली है शो की आगे की कहानी। ये सब जानने के लिए बन रहे हमारे साथ। फिलहाल मैं शुरू बस इतना ही, और भी अपने फेवरेट YHM से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से काजल की रिपोर्ट। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो यू नेवर मिस अ अपडेट फ्रॉम टॉप न्यूज। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. अब आप यही सोच रहे हैं ना कि ये कौन है, तो हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपको और बताएंगे कि ये दोनों है कौन। लेकिन उससे पहले जरा आपसे बात करते हैं इस शो के चल रहे ट्रैक की, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तो चल ही रहा है, साथ ही आपको शो में वो सब भी देखने को मिल रहा है जो आप निजी जिंदगी में भी देखते हैं अपनी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड की। पूजा में आता है रमन और तोशी जी उसे बताती हैं कि इशिता घर पर ही है, और वो ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाता है और इशिता को फोन करता है, जहां इशिता उसे बोलती है कि उसे पूजा छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके बावजूद उसका मन नहीं मानता और वो घर जाने लगता है कि इतने में सिम्मी आकर उसे रोक लेती है। वहीं घर में आता है सिम्मी का भेजा आदमी और इशिता को भी एहसास हो जाता है कि ज़रूर घर के अंदर कोई घुस आया है। अब आपको बता दें, दरअसल अब जहां कहानी घूमने वाली है लंदन की ओर, और आप सबको देखने को मिलेगा एक अलग ट्रैक और एक अलग कहानी, तो वहीं कुछ खास सोर्सेज की माने तो मेकर्स ने साथ ही ये सोचा है कि अब वो करेक्टर्स के नाम भी बदल देंगे। जहां रमन का नाम हो सकता है अर्नब, तो वहीं इशिता का नाम स्मृति बताया जा रहा है। ऐसी और भी तमाम स्टोरीज के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टॉप न्यूज जस्ट फॉर यू। टॉप न्यूज से रवि की रिपोर्ट।
For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.